महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयास। राजनैतिक अधिकारों के साथ साथ महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भी कई कोशिशें की हैं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने न केवल सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश की है, बल्कि अपनी ओर से भी कई प्रयास किए हैं। ऐसे ही एक प्रयास को हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। माता राजमोहिनी देवी। माता राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले, वर्तमान में बलरामपुर जिला के सरसेड़ा शारदापुर गांव में 7 जुलाई 1914 ईस्वी को एक गरीब कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम वीरदास तथा माता का नाम शीतला देवी था। राजमोहिनी देवी का बाल्यकाल शिक्षा विहीन व्यतीत हुआ। ग्राम गोविंदपुर के रंजीत गोड़ से विवाह उपरांत लगभग 20 वर्षों तक उनका जीवन गृहस्थ रूप में बीता। उस समय निरक्षरता के कारण छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मद्यपान जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पुरुष प्रधान समाज में नारी उत्पीड़न को देख उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने गाँव के लोगों को सुखी जीवन की सीख देने का बीड़ा उठाया। उनसे गांव वाले अत्यधिक प्रभावित हुए। शराब की लत के कारण ग्रामवासी न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, बल्कि उनमें नैतिक गिरावट भी आ गई थी। उन्होंने शराबबंदी के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। हजारों महिलाएं उनके आंदोलन में भाग लेने आगे आईं। 28 मार्च सन 1953 ईस्वी में भट्टी तोड़ सत्याग्रह शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 50,000 लोग शामिल थे। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के दुंदी, सिंगरौली, अगोरी और विजयगढ़, बिहार के रांची, अब झारखंड, पटना, केरल और मध्य प्रदेश की शराब भट्टियों पर भी पड़ा। इस सत्याग्रह का संदेश था, शराब से तन मन धन तीनों का नुकसान होता है। माता राजमोहिनी देवी ने सन 1963 से 64 में अखिल भारतीय नशाबंदी सभा के सम्मेलन में शराबबंदी पर भाषण दिया। इस भाषण से खुश होकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने उन्हें बधाई भी दी थी। ग्रामवासियों की सेवा के लिए उन्होंने सेवा मंडल का गठन किया। माताजी को समाज और देश सेवा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अंबिकापुर में बधाई दी। समाज के कमजोर वर्गों की उत्कृष्ट सेवा के लिए राजमोहिनी देवी को 19 नवंबर सन 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी पुरस्कार एवं 25 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 जनवरी सन 1994 ईस्वी को ऐसी महिमा मंडित छत्तीसगढ़ की संत माता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। सरगुजा जिले में महिला सशक्तिकरण के प्रयास। देश व राज्य के अन्य इलाकों की तरह सरगुजा जिले में महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की प्रथम महिला जिलाधीश के मार्गदर्शन में महिलाओं के 12,000 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से महिलाएं ऑटो, जीप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा वैन चालकों के रूप में कार्य कर रही हैं। इनके अलावा सेफ्टी नैपकिन तथा अंडों के छिलकों से खाद पाउडर बनाने का काम भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामों से प्रभावित होकर अन्य ग्रामीण व शहरी महिलाएं लगातार स्वरोजगार के कार्यों से जुड़ने का कार्य कर रही हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ तथा इन्हें रोकने के उपाय। प्रायः अखबारों तथा टेलीविजन के समाचार चैनल पर ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती हैं कि परिवारों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं में कई परिवार के पुरुष, लड़के, लड़कियों के परिचित या दूर के रिश्तेदार और कई बार अनजान लोग शामिल होते हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ में लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की गई हरकतें, उन पर की जाने वाली भद्दी टिप्पणियाँ, गंदे इशारे तथा दुर्व्यवहार शामिल हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, जिनके सबूत होने पर दंड दिया जा सकता है। लड़कियों को ऐसे किसी भी अपराध को किसी दबाव की वजह से चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों, शिक्षिकाओं या अन्य किसी समझदार और विश्वासपात्र लोगों से बातचीत करनी चाहिए।
ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सभी परिवारों और विद्यालयों में बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, समाज को लड़कियों के प्रति संवेदनशील बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। ऐसा करना सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे अपराधों से न सिर्फ संबंधित लड़कियों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि सारे समाज का अपमान होता है। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के संबंध में पुलिस हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा सकती है।